जैसा कि आप सभी को पता है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम्स जो कि जून वगैरह में होते हैं उसके लिए सारा शेड्यूल जो है जारी कर दिया है एचपी बोस ने। तो हम यहाँ पे टोटली बात करने वाले हैं टीजीटी आर्ट्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 11 जुलाई 2021 को टेस्ट होने वाला है। और आप सभी को ये तो पता ही होगा कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है एंड सो ऑन। तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप सीधा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई भी टेट हो आपका, चाहे मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, जेबीटी का हो या फिर एलटी का हो, अदर कोई भी हो, हम यहाँ पे इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे आर्ट्स की कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स वगैरह या फिर किस चीज़ को फॉलो करना है कि आपका ये 100% एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है 150 क्वेश्चंस टोटल आएंगे और टाइम 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक तभी देखिएगा अगर आप सोचते हो कि आपको इस साल यानी कि पक्का ये टेस्ट क्रैक करना ही करना है। इस एग्ज़ाम में अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ये दोस्तों 60% होते हैं, यानी कि 150 में से आपको 90 मार्क्स लेके आने ही होते हैं। और यकीन मानिए पिछले कुछ एक समय में, अगर मैं 1 या 2 सालों की बात करूं, 70 से 80% स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारे 87 थे, हमारे 85 थे, हमारे 89 थे, 1 या 2 या 3 मार्क्स से वो रह रहे हैं। तो कैसे रह रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि सिलेबस तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो ध्यान दीजिए, जो बीएड वगैरह आपने की है उसमें दोस्तों चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेसेस ये आपने पढ़ी हैं अच्छे से, तो 30 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने बीएड वगैरह में अच्छे से पढ़ा होगा इसको। फिर भी दोस्तों 30 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसके ऊपर भी अच्छे से टाइम लगाइए। हम दोस्तों इसके लिए आपको अच्छे से मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करेंगे कोर्स में। मॉक टेस्ट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे कि 2 या 3 मार्क्स से रह गया हमारा टेट वगैरह वगैरह, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मॉक टेस्ट काफ़ी बड़ी हेल्प करते हैं इस चीज को टैकल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 30 क्वेश्चंस जो होंगे ये जीके के होते हैं। जीके में सब कुछ आ जाएगा, एचपी जीके भी होगा, करंट अफेयर्स भी होंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज वगैरह। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर 30 क्वेश्चंस होंगे। इसमें ज्यादा फोकस आपको करना होता है ग्रामर के ऊपर। इंग्लिश लिटरेचर जो है इसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम रहती है, ग्रामर के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। और रीढ़ की हड्डी इस एग्जाम की सोशल स्टडीज 60 क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो दोस्तों इसमें हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमी भी आएगी। तो हमने जो कोर्स लॉन्च किया है इसके लिए, इसमें हम वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों या इकोनॉमी के हों। एमसीक्यूज भी आपको शेयर करेंगे पीडीएफ्स के थ्रू, और साथ में मॉक टेस्ट तो होंगे ही होंगे। मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ऑनलाइन ये मॉक टेस्ट होंगे, आपको अपनी परफॉर्मेंस भी पता चलती रहेगी इसमें। कुल मिला के कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि हम एचपी जीके की बात करते हैं तो कोई भी बुक आपके पास होगी होगी, तो उस बुक के प्राइस में आपको इस कोर्स में सब कुछ मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो अब ब्रीफली हम देखने वाले हैं फटाफट से कि किसी भी सब्जेक्ट में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेसेस की। उसके बाद हम एचपी जीके या फिर करंट अफेयर्स या फिर एनवायरनमेंट स्टडीज़ की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम सीडीपी के बारे में देखने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें सबसे पहले आप सभी को पता ही है प्राइमरी स्कूल, चाइल्ड, इनके बारे में हमें सब कुछ देखने को मिलता है।
जैसे कि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर होंगे जो हमारा मटेरियल मिलेगा उसमें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और हाँ दोस्तों, ये कोर्स जो आपको मिलेगा इसमें हिंदी मीडियम में भी होगा मटेरियल, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम इंग्लिश में ही प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसके कुछ एक सब टॉपिक्स हैं, जैसे एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों लर्निंग एंड पैडागोजी है, तो पैडागोजी में भी हम काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे लर्निंग की। इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दिए। उसके बाद लैंग्वेज कंप्रिहेंशन की जब हम बात करते हैं तो रीडिंग अनसीन पैसेजेस एंड सो ऑन, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट उसके बाद है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो इसके कुछ एक सब टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो ये लैंग्वेज एक के लिए था, ये लैंग्वेज टू के लिए जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसमें चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, ये कुछ एक चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद कंटेंट वगैरह है, तो इसमें आप देख सकते हैं ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह सब कुछ है। उसके बाद मैथमेटिक्स में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब कुछ पेडागोजी के ही हिस्से हैं जो कि हम देखने वाले हैं आगे। आगे कंटेंट में हम एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों HP टेट हो या फिर सी टेट हो वगैरह वगैरह, एनवायरमेंटल स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको भी अच्छे से हम कवर करेंगे। पेडागोजिकल इश्यूज़ वगैरह सब कुछ हम देखने वाले हैं। उसके बाद सोशल स्टडीज़ जो हैं इनके बारे में भी हम अच्छे से कवर करेंगे सब कुछ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, या फिर सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। एंशिएंट इंडिया जो है इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, डिनास्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया भी पढ़नी पड़ेगी, मॉडर्न इंडिया भी पढ़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, और एनवायरनमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये सब कुछ हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी जो है इसमें बेसिक्स जो होते हैं ये सारे के सारे हमें देखने ही पड़ेंगे अगर हम सोचते हैं कि HP टेट आर्ट्स ये हमें क्रैक करना है। जनरल नॉलेज जो है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जीके हम इसको बोलते हैं। बाकी HP जीके की बात करूँ तो नॉर्मली आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करो, इसमें HP जीके जो है हाई लेवल का नहीं पूछा जाता, नॉर्मल सा पूछा जाएगा। लेकिन कोर्स में हम ये भी प्रोवाइड कर देंगे आपको HP जीके जो है अच्छे तरीके से, मॉक टेस्ट होंगे, MCQs होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स HP टेट आर्ट्स के लिए तो दोस्तों आप व्हाट्सएप जरूर कर लेना, अभी तक फीस कम रखी है हमने, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएगी, तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए फीस मात्र होगी दोस्तों 599। तो ज़रूर मैसेज करके इस ऑफर को अवेल कर लेना, बाद में हम 999 फीस कर देंगे। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो सीधा व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन पूरा कोर्स आप करना चाहते हो HP टेट आर्ट्स के लिए ताकि एक या दो या तीन या चार या पांच मार्क्स से आपका ये टेट क्वालिफाई होने से रह जाए, तो आप जरूर कोर्स ज्वाइन करिएगा, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।
जय हिंद, जय हिमाचल।